रजनी गुप्ता और मैं हूँ एक वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर एंड अ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2 के बारे में। ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2 के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी उनके सारे पर्सनालिटी सीक्रेट्स, उनके लकी नंबर, उनके लकी कलर्स, उनके लिए सही प्रोफेशन, उनके लिए क्या डायरेक्शन सही है, कहाँ बैठ के अपने इंपॉर्टेंट काम करें, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है वास्तु के अकॉर्डिंग, क्या सामान ना रखें, क्या सामान कहां कौन से जोन में रखें, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो कौन सा सेमी प्रीशियस स्टोन यूज कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2 के बारे में। लेकिन शर्त केवल एक है, इस वीडियो को ऐसे आगे पीछे करके नहीं देखना, स्किप नहीं करना है इस वीडियो को, ठीक है? तो इसको पूरा देखना कि बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग स्किप कर देते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? तो इसीलिए बस इतना बोलूंगी कि इसको स्किप नहीं करना। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे अपडेट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने हमें बोला कि उनको हमारे अपडेट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर जो बेल आइकन है, सब्सक्राइब तो कर दिया है आपने, लेकिन जो बेल आइकन है वो आपने नहीं दबाया, तो इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहें जैसे जैसे हम नई नई वीडियोस अपलोड करते जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2 के बारे में। किन किन लोगों का ड्राइवर नंबर 3 होता है, जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा हुए होते हैं, उनका नंबर होता है ड्राइवर नंबर 3। और अगर उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दिया जाए और सम टोटल 2 आए तो कंडक्टर नंबर 2 होता है। जैसे कि कोई इंसान 3 सितंबर 1997 में पैदा हुआ है, तो अगर सारी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 3 सितंबर 1997 आएगा सम टोटल 2, तो यहां पर उसका कंडक्टर नंबर हो गया 2। तो आइए देखते हैं कि ड्राइवर नंबर 3 और कंडक्टर नंबर 2 वाले लोग कैसे होते हैं। 3 नंबर, बृहस्पति का नंबर, देव गुरु बृहस्पति, मतलब देवों के देव, देव गुरु बृहस्पति, ऐसे लोग ना जो 3 से रूल होते हैं, सुप्रीमली इंटेलिजेंट होते हैं, विजडम कूट कूट के भरी हुई होती है, नॉलेज का लेवल बहुत हाई होता है। कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी, ऐसे लोग आपसे सिर्फ तभी बात करेंगे जब उनको लगेगा कि आप उनकी बात समझने लायक हैं या आप बात करने लायक हैं। सीरियसली मैम, आप बात करने लायक हैं, वो जज करेंगे पहले आपको और उसके बाद बात करेंगे। अगर उनको लगेगा कि आपका इंटेलेक्ट और उनका इंटेलेक्ट मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, वो आपका आदर जरूर करेंगे, लेकिन बहुत लंबी बात आपसे नहीं करेंगे। ध्यान देना मेरी बात पर, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये लोग लंबी बातें नहीं करते हैं, ये बहुत लंबी बातें करते हैं, इनको बातें करना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये लंबी बातें उसी इंसान से करना पसंद करते हैं जहां पर इनको ऐसा लगता है कि हमारा इंटेलेक्ट सेम है। अगर मैं इस इंसान से बातें कर रहा हूं तो मुझे भी कुछ नॉलेज मिल रही है, नॉलेज के भूखे हैं ना, तो मुझे भी कुछ नॉलेज मिल रही है, तभी ये आपसे उस समय को, मतलब उतने समय तक आपसे बात करेंगे। अदरवाइज ये छोटी बातों में, शॉर्ट में, या सिंपली स्माइल करके आपकी बात का रिप्लाई कर देंगे, या फिर आप जो बात बोल रहे होंगे कभी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ये इंटरैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब आप में बात है, आप में इनको कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल दिखाई दिया है जिसकी वजह से ये आपसे बात कर रहे हैं, वो भी इतनी लंबी ज्यादा बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। और 2 नंबर मून का नंबर है, मून शीतलता प्रदान करता है, बहुत केयरिंग नंबर है, तो 2 नंबर का साथ होने की वजह से इनकी इमेजिनेशन पावर्स बहुत हाई लेवल पर होती हैं, साथ में इनकी इमेजिनेशन पावर्स में वो समझदारी होती है, इनकी क्रिएटिविटी में वो समझदारी होती है, वो एक नॉलेज झलकती है। ये लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर अपने अपने देश में नहीं, अपने देश के बाहर वाले लोगों के संपर्क में आके काम करें या बाहर फॉरेन लैंड्स में जाकर काम करें। 2 नंबर होने की वजह से, क्योंकि 2 नंबर थोड़ा सस्पिशियस नंबर है, लेकिन
दो नंबर होने की वजह से आप इनको थोड़ा शक की नेचर का देखेंगे, लेकिन ये उसको कंट्रोल करने की पावर भी रखते हैं क्योंकि इनका ड्राइवर नंबर 3 है। अगर इनका नेम नंबर सिंक नहीं होता है इनके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ, तो कई बार ये बहुत ज्यादा शक्की दिखाई देंगे। कई बार इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं दिखाई देंगे आपको अगर इनका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर के साथ इनका नेम सिंक नहीं होता है। लेकिन अगर इनका नेम नंबर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिंक होता है, तो भैया सीरियसली में इनको कोई रोकने वाला नहीं है और इनको कोई मतलब इनके लिए फिर कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि दो नंबर है मून का नंबर, वो इनको इमेजिनेशन देता है, वो इनको क्रिएटिविटी देता है, वो इनको नर्चरिंग एबिलिटी देता है, किसी का ख्याल रखने की क्षमता देता है, लेकिन साथ में इनका दिमाग बहुत तेज है, साथ में नॉलेज बेस भी बहुत अच्छा है इन लोगों के पास। इस वजह से ये आगे होने वाली चीजों को भांप जाते हैं और अपने क्योंकि विजडम है इनके पास, इंटेलेक्चुअल पीपल हैं, तो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को मजबूत कर लेते हैं आगे आने वाली कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए। लेकिन फिर मैं बोलूंगी कि जो भी मैं ये बात बोलती हूँ ये अप्लाई तभी होती है जब आपका नेम नंबर आपके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ सिंक करे, अदरवाइज आप देखेंगे कि कुछ कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते रहेंगे साइड बाय साइड। अगर इनका नेम कंपैटिबल है तो आप देखेंगे कि अपने फैमिली के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, बहुत मतलब अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होता है क्योंकि दो नंबर है, इनको केयरिंग बना देता है और अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर इनका नेम डिसहार्मनी में है तो कई बार ऐसे लोग अपनी फैमिलीज के लिए से दूर चले जाते हैं। ठीक है, नेम नंबर, अभी आप पूछेंगे मैम नेम नंबर कैसे करेक्ट होगा, नेम नंबर कैसे करेक्ट होगा, उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि आप ये कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का, अपने फ्रेंड्स का, जिन भी लोगों का आप नेम नंबर सिंक करना चाहें उनका नेम नंबर आप बड़े आसानी से सिंक कर सकते हैं, और साथ में अगर आप न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं इनके लिए अच्छे प्रोफेशंस कौन से होते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, कोई भी पानी से रिलेटेड काम हो गया, वो उस काम को ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे जिसमें भी मून की एनर्जी चाहिए होगी। जो भी पानी से रिलेटेड काम हो गया, दूध से रिलेटेड काम हो गया, वो काम ये बहुत अच्छे, जहां पर क्रिएटिविटी यूज होती है, जहां पर इमेजिनेशन यूज होती है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काम हो गया, ये काम बहुत अच्छे कर पाएंगे, जो भी जहां पर भी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की जरूरत होती है, साथ में समझदारी। तो आप ऐसे लोगों को आप अच्छे डायरेक्टर्स देखेंगे। इन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहता है कि ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट हमेशा पहन के रखें। रेड जेस्पर का ब्रेसलेट बहुत फायदेमंद है इन लोगों के लिए। अगर हम बात करें फाइनेंसेस की, घर की, हर जगह इनको सपोर्ट देता है, एक तरीके से सपोर्टिंग फैक्टर बन के खड़ा रहता है रेड जेस्पर का ब्रेसलेट। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इन लोगों के लिए रेड जेस्पर का ब्रेसलेट पहनना। और रेड जेस्पर का ब्रेसलेट बताकर मैं ये बोल सकती हूँ कि अपनी लाइफ की 50% प्रॉब्लम्स को तो ऐसे ही खत्म कर लेते हैं। रेड जेस्पर का ब्रेसलेट आपको सही जगह से लेना बहुत जरूरी है। मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो कि कंप्लीटली खराब हैं, नकली हैं, भारी कांच लाल कलर का करके आपको बेच देंगे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हैं, या फिर आपके कोई नोन टू में हो तो उनसे खरीदिए जो सर्टिफाइड करके दे आपको कि हाँ ये रेड जेस्पर ही है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता ही होता है। तो मैं आपको एनर्जाइज रेमेडी का लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हैं, या फिर अपने नोनटू में से जिनको आपको पता हो कि भैया ये सही दे रहे हैं वहां से खरीदें। उसके बाद अब बात करते हैं इनके लकी नंबर्स के बारे में। इनके लकी नंबर्स हैं 3, 5 और 7। इनके लकी कलर्स हैं येलो, ग्रीन एंड ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसा नहीं कि ब्लैक और व्हाइट नहीं बोल रही हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स एंड मैच, जैसे कि देख रहे हो आप ये ब्लैक और व्हाइट, ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन इन द सेम क्लोथ, वो वैसे वाला ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहनकर जाएं। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शंस हैं वो है ईस्ट का जोन।
इनके लिए ईस्ट का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सारे इंपॉर्टेंट काम वहां बैठकर करें और ईस्ट में देखें कि वहां पर आपने कोई सिल्वर कलर की चीजें तो नहीं रख रखी हैं, वहां पर कोई लोहे का सामान तो नहीं पड़ा है, वहां पर कोई जंग लगा हुआ सामान तो नहीं पड़ा है, या वहां पर कोई भी ऐसी चीज तो नहीं रखी है जिसमें जंग लग रहा है। अगर ऐसी कोई चीज आपके घर में रखी है ईस्ट जोन में, आपके घर के ईस्ट जोन में, तो तुरंत उसको वहां से हटाएं, बिल्कुल हटाएं, और आपको मिल जाएगी, आपके घर पे रखी होगी ऐसी कोई ना कोई चीज। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगी अपने घर की ईस्ट को बिल्कुल क्लीन रखें, क्लियर रखें और अपने सारे इंपॉर्टेंट काम ईस्ट जोन में बैठ के करें और फिर देखिए अपनी ग्रोथ, अपनी प्रोग्रेस। चलिए तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए, और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।